आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सेल्सिडोनी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे चेलेडोनी भी बहुत लोग कहते हैं और सेलेडोनी भी कहते हैं, सेल्सिडोनी भी कहते हैं, और ये अलग अलग रंगों में होता है। shivago.com पर और शिवागो एस्ट्रोलॉजी दोनों जगह आपको ये जेन्यून ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और अभिमंत्रित भी मिल जाएगा। तो इस जेम स्टोन का, सेमी जेम स्टोन का क्या बेनिफिट्स है ये हम आपको बता रहे जा रहे हैं। एक्चुअली ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। चेलेडोनी इज अ क्रिप्टो क्रिस्टलाइन वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज, ये एक तरह का क्वार्ट्ज ही होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि सोलर प्लेक्सस चक्र से रिलेटेड है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो 7 चक्र हैं उसमें सोलर प्लेक्सस चक्र से रिलेटेड है और इसका जो वाइब्रेशन है वो है 9। इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, वाइट भी होता है, ग्रे भी होता है, ग्रेश ब्लू भी होता है, ब्राउन भी होता है, रेंजिंग फ्रॉम पेल टू नियरली ब्लैक। चेलेडोनी हैज अ वैक्सी लस्टर एंड मे बी समटाइम सेमी ट्रांसपेरेंट, हालांकि ये तो ट्रांसपेरेंट नहीं है पर सेमी ट्रांसपेरेंट भी मिल जाता है। अब इसके बेनिफिट्स हम आपको बताते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इमोशनल बैलेंस, वाइटलिटी, स्टेमिना, एंड्योरेंस, एनर्जी, इंटेंसिटी, चैरिटी, फ्रेंडलीनेस, काइंडनेस और लाइवलीनेस। ये ऑटोमेटिक आपको दयालु बनाता है, दूसरों का अच्छा दोस्त बना देगा, दोस्ती करने की जो क्षमता है वो आपके अंदर विकसित करेगा, स्टेमिना बढ़ाएगा, प्रजनन क्षमता भी ये बढ़ाता है। चेलेडोनी और सेल्सिडोनी इज अ स्टोन दैट प्रमोट्स ब्रदरहुड एंड गुडविल एंड इट ऑब्जर्व्स नेगेटिव एनर्जी। आपके और नकारात्मक शक्ति के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा रहता है। ये हमारे माइंड, बॉडी, इमोशंस और स्प्रिट को हमेशा बरकरार रखता है। ये इसके सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं। चेलेडोनी का जो इतिहास है ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। चेलेडोनी शब्द एशिया में एक शहर के नाम से निकला है, चेल्सीडोन। यह प्राचीन ग्रीक में खलदोनी कहते थे। तो प्राचीन काल से पत्थर की बहुत सराहना की जाती थी इस पत्थर की, और प्राचीन जो मिस्रवासी थे इसे अस्कार्व के आंकड़ों में तराशा करते थे, पवित्र तावीज के रूप में पहना करते थे। और ये माना जाता था कि पत्थर मृतकों को जीवन शैली में निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं, ऐसा मानते थे। रोमनों के बीच में तो काफ़ी प्रिय था। आप भी अपने घर में इसको आप सजावट के तौर पे जो रॉ स्टोन्स होते हैं आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इसे जादुई ताबीज बनाने में वो लोग इस्तेमाल करते थे, पुराने ज़माने के मिस्र के खास करके लोग जो थे। लिथोथेरेपी में सबसे नरम पत्थर माना जाता है। चेलेडोनी में जो गुण होता है वो होता है हमें शांत रखने वाला। जहाँ नकारात्मकता नेगेटिविटी अधिक होती है वहाँ पे शांति लाता है, राहत लाता है। चेलेडोनी में गले और स्वर यंत्र के विकारों को दूर करने की क्षमता पाई जाती है। थायराइड और हार्मोनल ग्रंथियों को भी ये कंट्रोल करता है, और ख़ास करके जब ये हार्मोनल स्राव को विनियमित करने के लिए तो ख़ास करके इस्तेमाल करते हैं इसको। जो नर्सिंग माताएं होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर भावनाओं और विचारों की नकारात्मकता के खिलाफ चेलेडोनी एक बहुत ही आदर्श पत्थर माना जाता है। तो ये इसका सबसे अच्छा है, और जो सबसे अच्छा है सूट करता है, सूट तो किसी को भी करेगा, पर सबसे ज़्यादा कर्क, मिथुन और धनु राशि को सबसे ज़्यादा सूट करेगा। अन्य रंग के भी पत्थर आते हैं जिसे आप पहन सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये हमारी आँखों को,
हमारे गॉल ब्लैडर को, बोन्स को, स्प्लिन को, ब्लड को और सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उनको ये बहुत अच्छा करता है। आप अपने चक्रास, चक्रा की मैंने ऊपर बात किया था, सोलर प्लेक्सस चक्र, उसे आप एक्टिवेट कर सकते हो इस माला से। और जब आप इसको पहनते हो तो ऑटोमेटिक बेनिफिट होता है। और इसमें जो ब्लू कलर के होते हैं उसे तो थ्रोट चक्रा जो होता है उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है ये। आपके जब आप पीला नंबर पहनते हो, पीला रंग पहनते हो, तो ऐसे ही आपका जो गुरु है वो स्ट्रांग होता है, तो बोलने की क्षमता जो है ऑटोमेटिक विकसित होती चली जाती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।